बार भुवनेश्वर कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर सलिया सही बस्ती में आना हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को मिलकर देखकर। मैं वैसे भुवनेश्वर कई बार आ चुकी हूँ, बहुत बार आई हूँ 2009 से, और उससे पहले भी आई हूँ। उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, तब से मैं आ रही हूँ। और लेकिन मैं सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, मैं एक कलाकार होने के नाते यहाँ की जो कला संस्कृति है उससे भी मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और यहाँ के जितने भी नृत्य कला के जो गुरुजी सब हैं उन सबको मिली हूँ। खास तौर पर हमारे केलचरण महापात्र जी, वो हमारे भी गुरुजी हैं, उनके लिए उन्होंने मुझे बहुत प्यार स्नेह दिया, अच्छा संबंध रहा है, और हमें प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे नृत्य का कार्यक्रम भी किया, मेरी बेटियों के साथ भी मैंने यहाँ पर शो किया है। लेकिन आज जो आई है यहाँ पर कुछ अलग एक माहौल में, हमारी ही अपनी माननीय सांसद अपराजिता सारंगी जी जो हमारे साथ पार्लियामेंट में रहती हैं, वो इतनी अच्छी पार्लियामेंटेरियन है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो तो आप सबकी चहेती भी हैं, बहुत ही यशस्वी सांसद हैं, रह चुकी हैं, और अभी वापस रहने के लिए आपके सामने एक कैंडिडेट बनकर आपके सामने है। और इन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मैं इमीडिएट जाऊँ। मुझे अपराजिता ने कहा कि आप आइए इस चुनाव में भाग लेने के लिए, क्योंकि मेरी जो मथुरा की जो इलेक्शन था, चुनाव खत्म हो चुका है, 26th को उसका वोटिंग हो चुका है। मैं फ्री हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमारे अपने साथियों के लिए साथ देने के लिए मैं आई हूँ। इस मंच पर उपस्थित माननीय सांसद, हमारी चहेती और यशस्वी सांसद और प्रत्याशी अपराजिता सारंगी जी, और एमएलए यहाँ के कैंडिडेट हैं प्रियदर्शी मिश्रा जी एमएलए के लिए हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। इस सलिया शाही बस्ती में आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बारे में बहुत सुना कि ये हमारे मुंबई में भी एक धारावी है, मालूम है ना आपको, धारावी में भी ऐसी एक बस्ती है, बहुत बड़ा बस्ती, वो कभी वो ठीक हो ही नहीं सकता है, ऐसा एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही सुना ये एक बस्ती है, लेकिन इसको अच्छा सुधारने के लिए हमारी अपराजिता बहुत मेहनत कर रही है, और इसका बहुत ज़रूरी है। आप लोग ऐसे कब तक एक बराबर एक कुछ पत्र वगैरह होना चाहिए आप लोगों के पास, पेपर्स वगैरह, वैसा नहीं है, और ऐसे जी रहे हैं कई सालों से, इसका एक बराबर एक कुछ एक स्वरूप हो जाएगा। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।